चाइना के अंदर इंडिया ग्रोसरी मिल रही है ऑल टू ए टू सी। हाँ ये देखिए आप अंदाजा लगा, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा कि चाइना में अगर इंडिया की ग्रोसरी मिल रही है तो वो कितनी उनकी चीप प्रोडक्ट्स होंगी और वो उन्होंने कितना इसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे बेस किया और वहाँ पे वे बिक रही हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में बहुत मार खा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाए तभी हम सेट हो जाएंगे। ये आपकी नज़र में भारत कहाँ पर है, क्यों लोग उनकी चीज़ें लेना पसंद करते हैं? वो बहुत उनकी गवर्नमेंट उनके लिए अच्छा सोचती है, मतलब के सही उनके लिए फैसला ले रही है गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट करप्शन कर रही है इसलिए बहुत पीछे चला गया हमारा मुल्क। उसने टी शर्ट ली है वो भी मेड इन बांग्लादेश की है, दिखाइएगा। उसकी गारंटी भी नहीं है। अच्छा दिखाइएगा, ये देखिए तो यही हार ये सुने क्या कह रही है। प्राइसेस तो हाई है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल आइटम हो गए तो हाई है। ये सारी जितनी भी ग्रोसरी है सारी इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल है, चेक करें। वो आपके दोस्तों सभी को पता कि भारत किस प्रकार से मेड इन इंडिया के नाम से काम कर रहा है। भारत का हर एक प्रोडक्ट जो है मेड इन इंडिया के नाम से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सभी को बता दें कि चीन में भी मेड इन इंडिया जो है कि अब प्रोडक्ट मिलने लगे हैं। तो भारत में जो है कि मेड इन चाइना मिलते थे लेकिन अब चीन में भी मेड इन इंडिया सामान आपको मिल जाएंगे। वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानियों की राय कि पाकिस्तानी जो है चाइना के मॉल में मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट देख क्या बोलते हैं। दोस्तों सभी बताओ कि पाकिस्तानी बड़ा भाई मानता है चीन। देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानियों की इंडिया की चीजें जाती होंगी चाइना में। इंडिया की चीज़ें जाती होंगी चाइना में, ज़रूर जाती होंगी। क्यों इंडिया की क्यों जाती होंगी, हमारी क्यों नहीं जाती? इंडिया ने एक मेयार बनाया हुआ, हमारा कोई मेयार नहीं है तो जिसकी वजह से हमारी चीज़ें गालबन नहीं जाती होंगी। बाकी मैं इंडिया चाइना गया तो नहीं, मे भी पॉसिबल कोई चीज़ें ऐसी हों जो जाती होंगी। जैसे कि ड्राई फ्रूट हमारा बहुत अच्छा होता है सर, पिछले साल इसी साल के तकरीबन 6वें 7वें महीने की बात है, हम यहाँ से गधे एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना। हो सकता है, मुझे नहीं पता गधे जाते ही होंगे। चाइनी बड़े शौक से खाते गधे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की चेक करें जरा, ग्रोसरी मार्केट सारी इंडियन मार्केट से भरी हुई है। आपकी नज़र में भारत कहाँ पर है, क्यों लोग उनकी चीज़ें लेना पसंद करते हैं? वो बहुत उनकी गवर्नमेंट उनके लिए अच्छा सोचती है, मतलब के सही उनके लिए फैसला ले रही है गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट करप्शन कर रही है इसलिए बहुत पीछे चला गया हमारा मुल्क। सर आपको क्या लगता है भारत को लोग क्यों प्रमोट करें, थोड़ा सा आगे हो जाए? भारत को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि वो उनकी जो भी चीज़ है ना उसमें मिलावट नहीं है, कोई भी चीज़ है वो एक नंबर है। जैसे जापान में चीज़ें आती हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, उनकी ओरिजिनल चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में कुछ भी लेके देख लो वो दूसरे दिन खराब हो जाएगी, उसकी गारंटी नहीं है। क्या इसने टी शर्ट ली है वो भी मेड इन बांग्लादेश की है, दिखाइएगा। उसकी गारंटी भी नहीं है। अच्छा दिखाइएगा, ये देखिए तो यही हार ये सुने क्या कह रही है। ये सारी जितनी भी ग्रोसरी है सारी इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल है, चेक करें वो आपके सुपर स्टोर्स के अंदर। और हमारे पाकिस्तान की गिन चुन के भी कह रही है कोई चीज़ नहीं मिली पाकिस्तान की, क्या कहेंगे आप? हाँ ये तो हमारी बड़ी वो बदकिस्मती है कि हर चीज़ देखे हम चाइना से मंगवाते हैं जबकि हम खुद भी तैयार कर सकते हैं। वही चीज़ अगर हमारी बिजली इतनी महंगी है अगर हम खुद तैयार करें कि फ़र्ज़ करें कि ऐनक है हमारी कास्ट इस पर 500 आती है, चाइना हमें ये 100 रुपये में दे देता है या 50 में दे देता है, अब हमें क्या तकलीफ़ पड़ी है कि हम 500 में ये ख़रीदें? तो इसलिए हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि बिजली फ्री करें। अब बांग्लादेश ने बिजली फ्री की है, हमारी सारी इंडस्ट्री उधर चली गई है। देखे ना वो अब वहाँ से मुझे एक बंदे ने बताया कि यार एक जो आपका ये सूट है ना 100 रुपये का मिल जाता है। दो ताकतें 26 जनवरी को आमने सामने होगी, एक फ्रांस और एक इंडिया, और हमने दोनों को ही बायकॉट किया हुआ है। ये तो देखे ना ऊपर कितना बड़ा नुकसान है, हम समझ क्यों नहीं रहे कि दुनिया की जो सियासत है वो दोस्ती की तरफ आ रही है कि कहां से फायदा निकले, कहां पे हमें 2 रुपए बचे। 2 रुपए बचने की वाली बात ये है तो अब तो ना ये इंडिया के साथ तो वैसे हाथ मिला नहीं सकते, लेकिन ठीक है आज़ाद कश्मीर का मसला है, मुसलमान भैया का उसने क्योंकि ये तो उसके कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ ये बातें करते हैं बातें। चाइना के अंदर इंडिया ग्रोसरी मिल रही है ऑल टू
ए टू सी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा के चाइना में अगर इंडिया की ग्रोसरी मिली है तो वो कितनी उनकी चीप प्रोडक्ट्स होंगी और वो उन्होंने कितना इसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे बेस किया और वहाँ पे वे बिक रही हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में बहुत मार खा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाए तभी हम सेट हो जाएंगे। यह क्या उम्मीद रखें जी हम तेल निकल आएगा तो हम अमीर हो जाएंगे, तो उसमें भी हमारे बड़े मसाइल हैं। कुछ सूबे हमें तेल निकालने नहीं देते, उसमें कुछ माशरती और सूबाई मामलात हैं। लेकिन असल अब हमारे पास से सर्वाइवल के लिए यही है कि पूरी कौम को चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को बेस करे, घर का इंडस्ट्री होम इंडस्ट्री लगाए। अब आप चाइना में जाएं तो होम इंडस्ट्री है, जापान में जाएं तो होम इंडस्ट्री है, यहाँ पे क्या कि घरों में क्या है, बस वीडियो देख रहे हैं जी, टिकटॉक देख रहे हैं, वहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा दोस्त है इंडियन, चार पाँच दोस्त है, उनके साथ तो मैं काम करता हूँ। हाँ, क्या उनमें और हम में क्या फ़र्क आपने नोटिस किया या वो क्या बताते हैं अपने मुल्क के बारे में? वो भी बस ये बोलते हैं कि यार आप लोग अच्छे हो, मगर आपके जो आवाम है ना, कुछ लोग गलत है कुछ लोग सही है। उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? आप तो उनके साथ रहते हो ना। जी जी, डिफरेंट तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। ईमानदारी, ईमानदारी उनमें भी है हम भी है, मगर कुछ लोगों की वजह से हम बदनाम है। वीजा इजी मिल गया था आपको यूएई का? इंशा इजीली मिल जाता है हमारा, उधर अपने लाइसेंस है उधर हमारे। जी जी, उधर हमने गोदाम बनाया हुआ है अपना, तो वीज़े परचेज भी करते हैं हम, तो इजीली मिल जाता है उधर वीज़ा। सुना इस दफ़ा 15 अगस्त को बुर्ज खलीफा पर भारत का झंडा भी उन्होंने लगाया था, लाइट अप किया था। वो पाकिस्तान का भी लगाते हैं, उसमें कोई दफा नहीं लगाया, इस दफा नहीं लगाया। नहीं नहीं लगाया ना, नहीं लगाया। नेशनल डे पे लगाया था मैंने, नहीं लगाया ना, देखा था आपने। जी जी, ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो अब बड़ा अहम हो गया है। अभी जब से हमारे आर्मी चीफ गए हैं, उन्होंने कुछ इस हवाले से उन्हें एतमाद में लिया है। इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे सी पैक है, ठीक है, सी पैक के हवाले से अभी मुस्तकबिल में पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम होने जा रहा है। हम देखेंगे कि अगले 10 साल में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा न सिर्फ जैसे तरक्की होगी बल्कि पाकिस्तान का जो किरदार है सियासी हवाले से वो बहुत अहम होने जा रहा है। अच्छा, तो इस हवाले से मैं देखता हूँ कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने इनकार किया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों के ताल्लुकात बिगड़ेंगे और पाकिस्तान फायदा उठाएगा? नहीं, ताल्लुकात तो मेरा ख्याल नहीं है कि बिगड़ेंगे। अच्छा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इससे फायदा जरूर होगा। तो आज सभी लोगों ने वीडियो में देखा पाकिस्तानियों की राय, किस प्रकार से पाकिस्तानी जो है चीन में मेड इन इंडिया के नाम से प्रोडक्ट्स देखकर रह गए हैरान। तो दोस्तों आज सभी को बता दें चीन और पाकिस्तान का किस प्रकार से रिलेशन अच्छा अभी तक तो चल रहा है। सभी को दोस्तों बता दें कि जितने पाकिस्तान प्रोडक्ट मेड इन बनाता है, सभी को दोस्तों पता होगा कि पाकिस्तान से कुछ भी बना नहीं पाता है सिवाय नमक के अलावा। पाकिस्तानी दोस्तों एक कहना है चीन में जो है कि हमारे मेड इन पाकिस्तान सामान क्यों नहीं मिलते, क्योंकि दोस्तों सभी को बता कि चीन जानता है कि भिखारी का सामान लेकर हम क्या करें। जितने प्रोडक्ट्स दोस्तों पाकिस्तान में आप पाओगे सारे जो कि मेड इन चीन के नाम से पाओगे, लेकिन चीन जो है पाकिस्तान का सामान अपने यहाँ नहीं बेचता। भारत ने दोस्तों मेड इन चाइना का बायकॉट किया है, तब से चीन जो भी जो है अच्छा खासा प्रोडक्ट भारत में लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय प्रोडक्ट्स को भी अपने आप बेचने की परमिशन दे दिया है। पाकिस्तानी इस बात से बहुत नाराज हैं चीन से, क्योंकि दोस्तों सभी पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार से शुरुआती दिनों से लफड़ा चलता आ रहा है, दुश्मनी चलती आ रही है। पाकिस्तानियों को दोस्तों इस बात का दुख है कि चीन जो है मेड इन इंडिया जो है अपने यहाँ की बेचने को दे रहा है। आपका दोस्तों क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। मिलते दोस्तों कोई नए वीडियो।